स्टेथोस्कोप का स्पेशली यूज लंग, इंटेस्टाइन और हार्ट में किया जाता है। इसके इस्तेमाल को ऑस्कुलेशन कहा जाता है। आज इस वीडियो में हम आपको इसका इस्तेमाल करना सिखाएंगे। सबसे पहले आप अपने क्लिनिक में शांति का एनवायरनमेंट बनाएं। दिल और पेट की जांच के लिए सही पोजीशन में लिटा दें। अगर आप लंग्स की जांच कर रहे हैं तो उसे सीधा बैठने को कहें। अगर आप हाई क्वालिटी का साउंड सुनना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सही इस्तेमाल करने के लिए आप इसे सीधे स्किन में टच करेंगे, ना कि किसी कपड़े के ऊपर। दिल की जांच के लिए सबसे पहले डायफ्राम को चौथे या छठे रिब्स पर रखें, जहां पर हार्ट होता है। चेस्ट के बाएं ऊपरी भाग पर हार्ट की नॉर्मल आवाज़ लब डब सुनाई देगी। इसे एक मिनट तक सुने। लुब यानी सिस्टोलिक, डुब यानी डायस्टोलिक। जब आप दिल की आवाज़ सुनते हैं तो लुब डुब के अलावा जो आवाज़ सुनाई पड़ती है उसे एबनॉर्मल साउंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लुब डुब जैसी आवाज़ सुनाई दे तो पेशेंट को हार्ट मार्मर हो सकता है। हार्ट मार्मर मतलब खून आपके वास में काफ़ी तेज़ी से दौड़ता है। अगर पेशेंट को हार्ट मार्मर है तो उसे डॉक्टर के पास रेफर कर दें। अगर आपको एक तीसरा हार्ट साउंड सुनाई देता है जो एक कम फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन जैसा सुनाई देता है तो आपके पेशेंट को शायद एक वेंट्रिकुलर डिफेक्ट हो सकता है। अब लंग्स के लिए बात करते हैं। अपने पेशेंट को स्ट्रेट सीधा बैठने के लिए कहें। जब आप सुने तब अगर आपको सांस की आवाज़ सुनाई ना दे तो आप पेशेंट को गहरी सांस लेने को कह सकते हैं। जब आप सुने तब स्टेथोस्कोप को सीने के ऊपरी भाग पर रखें, फिर मेडिकुलर पर रखें और उसके बाद चेस्ट के नीचे भाग पर रखें। सुनिश्चित करें कि आप इन सभी भाग सामने और पीठ पर सुन रहे हैं। लंग्स को दोनों साइड्स को कंपेयर जरूर करें। नॉर्मल ब्रीथ साउंड क्लियर ठीक एक कप में हवा को बहते हुए सुनने जैसा होता है। एबनॉर्मल सांस की आवाज़ लंग्स में कैसे होती है? अगर पेशेंट के सांस लेने पर किसी प्रकार की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती है तो इसका मतलब लंग्स के आसपास एयर या फिर फ्लूइड हो सकता है। एबनॉर्मल सांस की आवाज़ चार प्रकार की होती है। घरघराहट जैसी आवाज़ सुनाई दे तो पेशेंट को अस्थमा है। अगर खरखर की आवाज़ सुनाई दे तो इसका मतलब गले के पीछे ब्लॉकेज की समस्या हो सकती है। अगर खर्राहट की आवाज़ सुनाई दे, ये लंग्स के रक्तपात से हवा जाने की वजह से होता है या फिर इसके ब्लॉक होने की वजह से होता है। अब बात करते हैं पेट साउंड के लिए। नॉर्मल बॉयल साउंड में ठीक जब आपका पेट गुड़गुड़ाता है या आवाज़ करता है वैसा ही साउंड करता है। पेट की नॉर्मल आवाज़ गुड़गुड़ाहट जैसी सुनाई देती है। अगर बॉयल साउंड सुनाई नहीं पड़ता है तो यह कब्ज की तरफ इशारा करता है। यदि बॉयल साउंड पहले हाइपर एक्टिव रहता है उसके बाद एकदम आवाज़ नहीं है तो ये आँख के टिशू के टूटने पर, अगर बॉयल में बेहद हाई पिच है तो ये बॉयल में रुकावट होने का इशारा कर सकता है। स्लो बॉयल साउंड प्रिस्क्रिप्शन दवाओं, स्पाइनल एनेस्थीसिया, इन्फेक्शन, ट्रामा, एब्डोमिनल सर्जरी या बॉयल के ओवर एक्सेप्शंस की वजह से हो सकता है। फास्ट या हाइपर एक्टिव बॉयल साउंड क्रोहन डिजीज़, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीड, फ्लूड एलर्जी, डायरिया, अल्सर आदि से सूजन का इशारा करता है।